नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण क्या प्रॉब्लम होते हैं, इसकी कमी कैसे दूर किया जाए। हमेशा थकान महसूस होना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट, दर्द, हड्डियों में कमजोरी इत्यादि कैल्शियम की कमी के कारण भी होता है। हमारे शरीर में कैल्शियम बहुत ही जरूरी है। हड्डियों को मजबूत बनाने, नसों, मांसपेशियों इत्यादि में कैल्शियम का इस्तेमाल होता है। हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों में 99% तक कैल्शियम होते हैं। हमारे अनियमित खान पान और दिनचर्या के चलते कैल्शियम की कमी और भी अन्य खनिज पदार्थों की कमी हमेशा होती रहती है। भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की कमी के कारण कुछ लक्षण जो कि सामने दिखाई देते हैं, आज हम उन लक्षणों को बताएंगे आपको कि शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो पहला तो है थकान महसूस होने लगता है, छाती में दर्द होने लगता है, हाई कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, हाथ पैर में सुन्नपन हो जाता है, झुंझुनाता है, भूख में कमी आती है, हड्डियों में दर्द रहता है, दांत में दर्द रहता है, छाती में दर्द रहता है, मेवी के दौरे भी पड़ सकते हैं, त्वचा जो है उसमें रूखापन आ जाता है, लक्षण है ये कैल्शियम की कमी के कारण हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम ये कैल्शियम की कमी के कारण क्या है, क्यों हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। दोस्तों हम बता दें कि हमारे अस्त व्यस्त दिनचर्या के चलते खान पान में कैल्शियम की कमी होना स्वाभाविक बात है। कैल्शियम की कमी का मुख्य कारण आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन न करना है। अत्यधिक व्यायाम करने से भी कैल्शियम में कमी आ जाती है कैल्शियम की। इसके अलावा विटामिन डी की कमी के कारण भी कैल्शियम में कमी आ जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक का अधिक मात्रा में सेवन करने से भी कैल्शियम की कमी आती है। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हमें होते हैं। अत्यधिक मात्रा में चिकनाई युक्त खाना हुआ या शुगर युक्त खाना हुआ, प्रोटीन वाले आहार हुआ, ये कैल्शियम की कमी के कारण होती हैं। शराब पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, इन सब के कारण कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में कितनी कैल्शियम हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि जो बच्चे हैं जिनका डेवलपमेंट हो रहा है उन्हें डेली 500 से लेकर 700 मिलीग्राम तक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो यंग हैं उनके लिए 700 से 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को डेली 1000 से 1200 मिलीग्राम तक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे ये कैल्शियम की कमी की पूर्ति हम कैसे करें, है ना। तो कैल्शियम का जो मुख्य स्रोत है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दूध जो है और दूध से बने पदार्थ जो हैं ये कैल्शियम के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जो कि कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आपको बता दें जो तिल होता है, कहा जाता है कि एक चम्मच तिल में करीब 88 मिलीग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है, है ना। इसके अलावा जीरा में कैल्शियम पाया जाता है, जीरा का भी इस्तेमाल कीजिए। ऑलमंड का इस्तेमाल कीजिए, उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। इसके अलावा हरी साग सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, बीन्स हुए इत्यादि में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फलों का इस्तेमाल कीजिए, फलों में संतरे खाइए, कीवी खाइए, इत्यादियों में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा आंवला जो है कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों अपने दैनिक जीवन में इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, आपको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो हमने आज के वीडियो में आपको बताया कि कैल्शियम के कमी के लक्षण क्या हैं, क्या प्रॉब्लम होती हैं कमी होने के कारण, इसके अलावा हम कैल्शियम की कमी की पूर्ति हम कैसे कर सके इत्यादि, इन बातों की हम चर्चा आज की वीडियो में किए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अच्छी जानकारी को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।